भगवान श्री गोरखनाथ जी ने प्रणाम किया और महामुनि वशिष्ठनाथ जी ने बड़े प्रेम से भगवान श्री गोरखनाथ के सिर पर और उन्हें सीने से लगाया। भगवान श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि महाराज अब यहां से जल्दी चलो। कहने लगे क्यों, ऐसी जल्दी क्या है, आराम से चलेंगे। बोले महाराज आराम से चलने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो बड़ा बखेड़ा हो गया है, आपको पता नहीं ये क्या हुआ। कहने लगे महाराज जिस रानी के पति बन के गए थे ना वो आप यहाँ, उस रानी ने तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़े करा के फेंकवा दिए। वो तो महादेव की कृपा थी कि उन्होंने वो टुकड़े भिनवा करके कैलाश में रखवा दिए और वहीं से वीरभद्र से युद्ध करके मैं ये शरीर आपका लेकर आया और आपके इस शरीर पर चामुंडा ने भी हमला कर दिया था। अच्छा इससे बूढ़ी माता ने सारा राज खोल दिया था रानी के सामने। इतना सुनते ही मत्स्येंद्रनाथ जी भाव विभोर हो गए और कहने लगी गोरखनाथ की बरसों मेरा शरीर पड़ा रहा है ऐसी क्या ऐसी इसमें गर्मी थी नहीं और अब इसमें प्राण आए तो पूरा अकड़े हुआ है, उंगली अलग अकड़ी हुई है, टांगे अलग अकड़ी हुई है, तो ये तो धीरे धीरे काबू में आएगा, मैं इतना तेज अब कैसे चलूंगा और ये देह भी मुझे कुछ बदली बदली लग रही है, बड़ी हल्की लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत वजन इस देह में से कम हो गया होगा। तुम धीरे धीरे चलो, आज यहीं रुक जाओ, कल चले चलेंगे। तो भगवान गोरखनाथ जी ने बुढ़िया माता की बात बताई कि आपका राज काशी में खुल गया है। इतनी बात सुनी कि मत्स्येंद्रनाथ घबरा गए और चलने लगे झटपट मुनि, और लिए कमंडल और बोले मुझको गर्व है, बोले मुझको गर्व है और तुम पर गोरखनाथ, तुम पर गोरखनाथ, तुम पर गोरखनाथ, तुम पर गोरखनाथ। और कह रहे हैं गोरखनाथ मुझे तुम पर गर्व, वास्तव में तुम्हारे समान शक्तिशाली अब कोई दूसरा नहीं। कहते सुनत दोनों जने, कहते सुनत दोनों जने और एक गांव में आए, एक गांव में आए, उसके चारों तरफ विश्राम स्थल देख करके बड़े प्रसन्न हुए, रुक गए वहां। तो नहाए धोए हरि नाम जब, नहाए धोए हरि नाम जब और किया नाथ विश्राम, किया नाथ विश्राम और जो उठ कर चलने लगे, जो उठ कर चलने लगे और जगते हुए सुख था, जगते हुए सुख था।
एकदम चकित हो गए रास्ते में देखकर कि वो वसंत देव और रानी रेवती दौड़े चले आ रहे हैं।